राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह वाल्मीकि के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि ने किसान यूनियन से जुड़े अमित चौधरी को जिला अध्यक्ष और महिलाओं की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाने वाली महिला समाज सेवी मोनिका नाज खान को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही भाजपा के युवा नेता राजा वाल्मीकि को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह तीनों पदाधिकारी हमेशा से ही किसान और मजदूरों की आवाज उठाते चले आ रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन को देखकर उन्हें संघ की यह जिम्मेदारी दी गई है। अब यह तीनों पदाधिकारी मिलकर कर्मचारी और मजदूरों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शासन में ये अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष पद पर श्री राजा वाल्मीकि जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला अध्यक्ष पद पर युवा नेता भाई अमित चौधरी जी को नियुक्त किया गया है और हमारी जो महिला नेत्री हैं मोनिका नाज खान जी, उनको महिला सभा का जिला अध्यक्ष यहाँ नियुक्त किया गया है। और इनसे आशा है कि कर्मचारी व मजदूर हित में संगठित होकर कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है, जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाएंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो हमेशा मुझे सहयोग करते हैं और हमेशा नेता बनाने का काम करते हैं। और हमेशा से लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी हैं, गरीबों के संग में आगे बढ़ के लोगों की बात उठाते हैं, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जो मुझे महिला सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। और मैं बहुत खुशी हूँ, मैं आप लोगों से सबसे वादा करती हूँ कि ईमानदारी से और गरीबों से सबके साथ में मैं खड़ी हूँ। अगर किसी का अत्याचार होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी वार्ड हो, किसी भी गली हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैं स्वयं खुद जाके वहाँ के मुद्दे उठाया करूँगी।